इस वक्त में बात करते हैं कि ऐसे सांसद से जो देश में सबसे ज्यादा मतों से विजय हुए, इस वक्त में हमारे साथ में मैं जानना चाहूंगा जो खुशी है, जिस तरह से तमाम देखा जा सकता है, आपके चेहरे पे महसूस किया जा सकता है, इसमें आप क्या मानते हैं, किस तरह से आपका जन समर्थन मिला, किस तरह से आपके इलाके में ये प्यार मिला है? न्यूज़ 18 है ना, न्यूज़ 18 को हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि अभी तक ये जो हम एक नंबर पे है वो कहने के लिए भी हम लोग आपको ढूंढना पड़ता है। कोई कोई टीवी ने हमको सेकंड दिखाता है, कई कोई एक भी थर्ड दिखाता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिखाया है कि हम फर्स्ट है, क्योंकि हम आसाम से है, क्योंकि हम कांग्रेस से है, इसीलिए कुछ करके हमको सेकंड थर्ड कर पाएगा, यही इसमें लगा हुआ है। हम न्यूज 18 को धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम हमको रिकॉग्निशन दिया एज पर इलेक्शन कमीशन रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच। हम एक कांग्रेस उम्मीदवार है और ये हम आपको आपको बोलने से बाकी सब चैनल ने एक साथ हम बोलेंगे, लेकिन ये हम जरूर बोलेंगे जे ये हमारा जो कंस्टिट्यूएंसी है, हम इस बार से दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं, पहले 2001 में, 2006 में, 2011, 2016, 2021, 2024, 2001 में कांग्रेस का लहर था आसाम में, तरुण गोगोई जी चीफ मिनिस्टर था, हम जीत के आए थे। उस समय हिमंत बिस्व शर्मा जो अभी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, आसाम का चीफ मिनिस्टर है, वो भी लड़े थे। कांग्रेस का लहर में हम लोग 2009 भी जीता, 2006 में भी जीता, 2011 भी जीता, लेकिन 2016 में बीजेपी की लहर आ गया था, उस अगेंस्ट द वेव हमारा कहने का मतलब था, 2016 में भी हम एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से हम जीत के आया, 2021 में भी हम जीत के आया अगेंस्ट दी वेव ऑफ बीजेपी था, लेकिन यहाँ में जो बड़ा लीडर है हिमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री, वो कांग्रेस का लहर में 2011 में जीत के आया था, लेकिन जब बीजेपी का हवा आ गया था ना, वो उस समय वो बीजेपी में चला गया था, जहाँ पल्ला भारी है वहाँ में उठ जाता है, लेकिन दिल्ली में तो वही लीडर है, हम लोग को तो जानते ही नहीं है आप लोग, आज धुन धुन के हमको आप धुन धुन के आपको क्या बोलते हैं ना हिंदी में, लेकिन बोलने दीजिए, लोग तो जानते हैं, जमीन पे लगा हुआ आदमी है ना, हम ना जमीन ने दिखा दिया, जमीन में जमीन पे दिखा, हमको आज तो कहने दीजिए हमको भैया, लेकिन आप लोग तो कहीं नहीं जानते, हम लोग से दफा अगेंस्ट द वेव। इस बार कौन हारा? बदरुद्दीन अजमल, जो एक वहां में एक हिमंत बिस्व शर्मा का दोस्त है, ये हम नहीं कह रहे, हिमंत बिस्व शर्मा खुद हिंदी चैनल में कह रहे थे जो हिमंत बदरुद्दीन अजमल जी का साथ हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है, वो बोल रहा था। क्यों दोस्ती है? जो एक्सट्रीम क्रिमिनल ये एक बात बोलेगा, ये एक बात करेगा, पोल्यूटेड कर देगा आदमी का जो लगे हुए बात है उनको छोड़ के, इस क्रिमिनल बात करके एटमोसफियर खराब करके वो लोग फायदा लेगा, ये अभी असम में खत्म हो जाए। बदरुद्दीन अजमल एक 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 कैंडिडेट नहीं है, बदरुद्दीन अजमल एक पार्टी का सीफ है और हिमंत बिस्व शर्मा का दोस्त है। आप देखिए हिमंत बिस्व शर्मा कल आपको देखा है, इतना बंद खराब कभी नहीं देखा, वो एकदम बंद, ऐसा क्यों? वो ऐसा नहीं है कि डिब्रूगढ़ में उसका कंस्टिट्यूएंसी से जीता है बीजेपी, उसके लिए इतना खुशी नहीं है, जितना दुख उसका दोस्त बदरुद्दीन अजमल हारने का उसका दुख है, क्योंकि वो जानते हैं बदरुद्दीन अजमल हार गया मतलब 2026 में वो हमें कांग्रेस का नेतृत्व में आएगा। और एक बात करना है, आप लोग तो जानते हैं कि हम अभी थोड़ा बहुत आप लेने के लिए हमको जब जान गया कि हम सारा इंडिया में ज़्यादा भूत से जीता, हमको ढूंढ के लाया, हम अभी तक इलेक्शन में हारा नहीं, लेकिन यहाँ में जो बड़ा लीडर हिमंत बिस्व शर्मा 1996 में हारा था, लेकिन यहाँ में तो उसमें ही बड़ा लीडर है, इसीलिए जिस जमीन पर लगा हुआ वो रिकॉग्निशन हम देने चाहते हैं। हमारा वो कांग्रेस MLA है, सब ये MLA दिन रात काम किया, हमारा कांग्रेस का आदमी और हमारा संगठन और संगठन है जो और एक बात बोलना चाहते हैं, हम धुबरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हम लोग का जो आम आदमी है, वो आम आदमी क्या है क्या नहीं है बाद में हम आपसे बात करेंगे, उन सबको हम धन्यवाद और शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोगों ने हमको 14 लाख से ज़्यादा वोट दिया, इतना वोट हम सुना है कि कहीं कभी किसी के कैंडिडेट ने नहीं मिला, 10,12,000 वोट से हम जीता, उससे ज़्यादा ये हम धुबरी वासी को धन्यवाद देते हैं जो हमको भूत दिया, जो भूत नहीं दिया सबको लेके हम लोग चलेंगे। आपको भी बधाई देते हैं, कम से कम आप पहले बोला कि हम सबसे ज़्यादा भूत मिला, धन्यवाद शुक्रिया। सर इसमें एक सवाल और हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से जनता का समर्थन मिला, प्यार मिला, ये
दो ऐसे सबसे बड़े जो आपका एक इशू होगा जिसको आप सबसे पहले अपने इलाके में पूरा करना चाहेंगे, अपने जनता के लिए पूरा करना चाहेंगे, तो दो ऐसे सबसे बड़े इशू कौन से हैं? आम जरा दूसरा किस्म का आदमी है। फाइव स्टार होटल में आप जो बोल रहे हैं ये जमीन पे लगा वाला पैसा नहीं है। ये कंस्टिट्यूंसी ऐसा है, हम एक अगर समस्या का बारे में बोलेंगे तो दूसरा कंस्टिट्यूंसी बोलेगा कि हमारा ऊपर नजर नहीं दे रहे। ऐसा कंस्टिट्यूंसी है, एक पंचायत से एक पंचायत जाने के लिए पानी से जाना पड़ता है। तो एक कंस्टिट्यूंसी का आदमी सोचेगा कि आप हमारा समस्या का बारे में बोल दिया, हमारा समस्या में इसीलिए कॉमन जो समस्या है उसमें आप लोग को आपका जरिए हम रिक्वेस्ट करते हैं वो दिखाइए। जो इरोजन प्रॉब्लम है हम लोग का यहाँ में जितना नदी है, नदी हमारा हम आसाम में नदी नहीं है, नद है, मेल ब्रह्मपुत्र मेल, वो इरोजन करता है। यहाँ में फ्लैट आसाम का लोग हमारा धुबरी कंस्टिट्यूंसी में फ्लैट का इतना नहीं डरते हैं, लेकिन जो इरोजन है ना वो जमीन वमीन सब लेके जाते हैं। और ये जमीन ले 100-200 बीघा बोलते हैं, क्या जमीन का आपका मालिक था, पानी ले ब्रह्मपुत्र ने ले किया, उसका बाद एक चाली दे के हम रहते हैं। हिमंत विश्व शर्मा आके हसारी को तोड़ के दिखाता है कि वो यहाँ में बहुत बड़ा आदमी। ये 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 जो है, ये जो है, ये जो जमीन पे लगा हुआ है ना, ये दिल्ली तक आ गया और इसीलिए हमको आपके अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। सर हमेशा मिलते रहेंगे और आप लोग भी आते रहे। निश्चित तौर पे तमाम ये विधायक देखा जा सकता है और सांसद जो है जिस तरह से बकायदा वो बता रहे थे, और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि तमाम इलाकों से, भारत के अलग अलग इलाकों से ये तमाम जो सांसद चुन के आ रहे हैं अब वो अपनी बातें दिल्ली में प्रखर तौर पर बातचीत कर रहे हैं। वरिष्ठ सहयोगी अनुप गुप्ता और कैमरा पर्सन अपू पाठक के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली।